नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल 24। मैं हूं मंजर आलम। बीजेपी का नशा अरुणाचल के नेताओं पर सिर चढ़कर बोल रहा है। शायद इसीलिए अब यहां के नेता भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने की कस्में खा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो सुनिए ये नेता क्या कह रहे हैं। इसका मतलब 14 साल मैंने हम वनवास में था और राम भी ऐसा था ना, इसलिए अगर हम आ गया तो अगर एमएलए बन गए तो राम जैसा ही बनेगा। ये है पूर्व विधायक तालो मुगली, जो पार्टी के एक सभा को संबोधित करने के लिए बोआ शिमला पहुंचे हैं। राणा विधानसभा क्षेत्र के कभी विधायक रहे और अब 14 वर्षों के वनवास के बाद एक बार फिर राजनीति में लौटे तालो मुगली पत्रकारों का जवाब भी बड़े नापतौल कर दे रहे हैं। जब उनसे ट्रांस अरुणाचल हाईवे के मामले में कुछ विधायकों का नाम आने से संबंधित प्रश्न किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें जहां तक लोग बोल रहा है वो जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पाइन आउट का होने से तब तो पता चलेगा, अभी तक तो किसको कैसे ब्लेम करेगा, किसी एमएलए को ब्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसको पाइन करके अगर मिलता है, सबूत मिलता है, बात तो अलग हो जाएगी। लेकिन जहां अवसर मिलता है वहां वो खुद के द्वारा किए गए कार्यों की लंबी सूची सुनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही हुआ जब पत्रकारों ने बॉम्बिंग जोन से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे। दूसरा इशू है, इम्पोर्टेंट है, बॉम्बिंग जोन इन दोलुंग। सो कैन यू से गिव अ लाइट ऑन दैट। हां, ये इसका बारे में एक बार 50 इयर्स के लिए एग्रीमेंट हुआ था, आगे में वो 50 इयर्स खत्म हो गया, लेकिन अभी अरुणाचल गवर्नमेंट को नहीं पूछ करके असम गवर्नमेंट ने फिर एग्रीमेंट कर लिया है। वो हमारा टाइम में भी इसको ना होम मिनिस्टर को हम पहुँचा दिया था ये बॉम्बिंग केस को ना, और बीनी एक आदमी को बॉम्बिंग को मारा था, तो होम मिनिस्टर तक हम गया था, यूनियन मिनिस्टर तक। तो उनका उन लोगों का कहना था उस समय का कि 50 साल एग्रीमेंट होने के बाद हम री एग्रीमेंट नहीं करेगा, ये बोला हुआ था। अभी पता नहीं हाउ दिस हैपेंड टू बी यू नो री एग्रीमेंट हैज बीन डन। बहरहाल हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, और अगर मुगली भी बीजेपी के टिकट के सहारे एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौटना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। अरुणाचल 24 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट।